Good evening, students. In this video, we are going to do chapter number 8 of class 5th from your book Rainbow English. This is your chapter, A Glimpse from History, means पुराने समय की एक झलक. So अभी हम इस chapter में कुछ जो झलक जो आपकी history की कुछ झलक जो है कुछ चीजें जो हुई थी हुई घटी थी कुछ घटनाएं हिस्ट्री में उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. 1857 एंड आफ्टर 1857 और उसके बाद का जो समय है इस चैप्टर में उसका वर्णन किया हुआ है, उसके बारे में बताया गया है. पढ़ते हैं. ऑब्जेक्टिव्स टू इंडिकेट द कनेक्शन बिटवीन टू टाइम पीरियड्स दस गिविंग नॉलेज अबाउट टेंसेस. सो दो समय, जैसे अभी कौन सा समय चल रहा है, प्रेजेंट है ना, वर्तमान काल है, और जो बीत चुका है उसको हम भूतकाल कह देते हैं, हिस्ट्रीज को हम पास्ट कह देते हैं. ठीक है, तो कैसे दो समय को कनेक्ट करना है, बच्चों को पास्ट टेंस के बारे में बताना है इस चैप्टर के अंदर, उसके बारे में नॉलेज देना है. टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट द फ्रीडम फाइटर्स, बच्चों को आप लोगों को बताना कि कैसे हमारे जो देश के कई महान लोग जो शहीद हो गए, लड़े वो आजादी के लिए, जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दे दिए, अपने सेक्रीफाइस कर दिया अपनी लाइफ्स को एंड अपनी फैमिलीज को भी. सो हम इसमें पढ़ेंगे सेक्रीफाइस फॉर इंडिपेंडेंस आल्सो. न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं. ग्लिम्स झलक, अटेन पाना कुछ हासिल करना, लाइक इंडिपेंडेंस आजादी, कैनॉन तोप, ऑर्डिनरी आम, डिस्करेज स्पेक्टेटर दर्शक, स्टेचर. प्री रीडिंग, व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, देश को आजादी कब मिली, इन 1947. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1957. सो यू शुड राइट हियर 15 अगस्त 1957. इंडिया गॉट, यहाँ पर लिखेंगे GOT, गॉट, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947. कैन यू नेम सम फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया? यस, राजगुरु, सुखदेव, शहीद भगत सिंह, Have you heard about Kuka movement? Yes. Now let us read about the chapter. The year 1857 was not an ordinary year. कि जो साल था 1857 का वो कोई आम साल नहीं था. People of India everywhere were angry with the British rule. देश में हर एक जगह पे जो लोग थे वो गुस्सा थे जो British government थी उनसे, अंग्रेजों के राज से वो खफा थे, लोग बहुत गुस्सा थे. दे वर बर्निंग विद द डिजायर टू थ्रो द ब्रिटिश रूलर्स आउट ऑफ इंडिया एंड अटेन इंडिपेंडेंस. उनके अंदर एक आग जुलस रही थी, एक ऐसा डिजायर था उनके मन में, एक ऐसी इच्छा थी कि वो जो अंग्रेज है उनको भारत से बाहर फेंक दें एंड अटेन इंडिपेंडेंस और आजादी हासिल कर लें, आजाद हो जाए. द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वेरी पावरफुल, अंग्रेज बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, अंग्रेजी सरकार बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी. बट दिस डिडंट डिस्करेज द फाइटर्स फॉर फ्रीडम, बट इस चीज से डरे नहीं कौन, जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो. दे वर आउट ऑन द पाथ ऑफ रिवॉल्ट, वो निकल पड़े रिवॉल्ट के रास्ते पर. रिवॉल्ट मतलब आंदोलन करना, ब्रिटिश के खिलाफ वो एक खड़े हो गए लड़ाई में. स्ट्रगल और वॉर मतलब युद्ध जो था अंग्रेजों के खिलाफ, रिवॉल्ट जो था आंदोलन, उसके अंदर वो उस रास्ते पर वो चल पड़े. सतगुरु श्री राम सिंह जी बॉर्न एंड एजुकेटेड एट भाईनी साहेब पंजाब. भाईनी साहेब पंजाब में श्री गुरु जो सतगुरु श्री राम सिंह जी का जन्म हुआ
पढ़ाई लिखाई उन्होंने वहीं पे करी, एजुकेटेड एट लिखा हुआ है बहनी साहब पंजाब, पंजाब में उन्होंने एजुकेशन हासिल की। वॉज नॉट अ साइलेंट स्पेक्टेटर, कोई आम दर्शक नहीं थे वो। ही ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ हिज फॉलोअर्स, उन्होंने क्या किया बेटा, बहुत सारे अपने जो लोग थे उनके फॉलोअर्स थे, चाहने वाले लोग थे उनके, ही फॉर्म्ड अ पार्टी नोन एज संत खालसा, उन्होंने संत खालसा नाम से एक पार्टी बनाई। दिस सेक्ट लेटर डेवलप्ड इनटू द ग्रेट हिस्टोरिकल कूका मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो पार्टी थी बाद में एक बड़ी ऐतिहासिक कूका मूवमेंट का रूप, जो इतने नामधारी मूवमेंट, नामधारी सिक्स का धारण कर लिया था इसने। In 1872, 1872 में कुका सिक्स अटैक्ड मलेरकोटला, वेयर मिस्टर कोवन वाज द ब्रिटिश ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द टाउन। सो मलेरकोटला के अंदर जो मिस्टर कोवन थे वो एक ब्रिटिश इन चार्ज थे उस कस्बे के, उस विलेज के। सो कुका सिक्स ने वहां पर अटैक कर दिया। आफ्टर द अटैक ऑन द मलेरकोटला, कहते कि जब इसके ऊपर अटैक किया गया तो उसके बाद 66 कुका सिक्स सरेंडर देमसेल्फ। ठीक है, तो अपने आप को उन्होंने अरेस्ट करवा दिया ब्रिटिशर्स को, 66। ठीक है, 66 कुका से जिन्होंने अपने आप को ब्रिटिशर्स के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया था। कोवन जो मलेरकोटला का वहां पर ब्रिटिश ऑफिसर था, ही वॉज अ वेरी क्रूअल एंड हार्टलेस ऑफिसर, बड़ा निर्दयी, बहुत ज्यादा क्रूअल, और उसके पास बिल्कुल दिल नहीं था, बहुत ही निर्दल था, निर्दयी था वो। ही बहुत ही अत्याचारी, क्रूअल मतलब अत्याचारी था वो, निर्दयी था। ही ऑर्डर्ड दैट ऑल दीज कुका सिक्स बी ब्लोन ऑफ विद द हेल्प ऑफ कैनन्स, वो कहता था, उसने ऑर्डर दे दिया कि सारे के सारे जितने भी कुकाज हैं उनको तोप की मदद से, कोई कैन सी है तोपे हैं यहाँ पर, तो तोपों से वो सारे के सारे नामदार जितने भी वहां पर सिख हैं उनको मार दो। द कुका सिक्स ब्रेवली फेस द कैनन फायर ऑन देयर चेस्ट, तो कुका सिंह ने बड़ी बहादुरता के साथ अपनी छातियों पे उस आग को सामना किया। दे सेक्रीफाइज देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ द फ्रीडम ऑफ देयर मदरलैंड, उन्होंने अपनी धरती माँ के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपनी जिंदगी जो थी वो आजादी के लिए निशावर कर दी। वन नामधारी सिख, एक नामधारी सिख जिसका नाम था वारियान सिंह, फ्रॉम विलेज महराज, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। तो आपने बेटा महराज जो है बठिंडा के पास, वो आपने सुना होगा, ये महराज गांव है बठिंडा जिले में। सो वॉज टू शॉर्ट इन स्टेचर टू रीच द लेवल ऑफ द कैनन्स माउथ। सो वरियाम सिंह जो महाराज जिला बठिंडा के रहने वाले थे, बहुत ही छोटी थे हाइट उनकी, ना स्टेचर होता है हाइट, कद, वो छोटे थे वो हाइट में कि वो कैनन के मुंह तक तो पहुंच नहीं सकते थे, इतनी उनकी हाइट जो थी वो छोटी थी। ही वॉज सो ब्रेव दैट ही कलेक्टेड सम पेबल्स एंड स्टूड अपॉन देम, वो इतने बहादुर थे कि उन्होंने क्या किया, कुछ पत्थर उठाए, कलेक्ट किए, इकट्ठा किए एंड स्टूड अपॉन देम, उनके आगे खड़े हो गए। एंड देन चैलेंज्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू फायर, फिर उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को, अंग्रेज ऑफिसर्स को चैलेंज किया कि आग लगाओ, फायर करो अपने कैनन से। अनदर बॉय बिशन सिंह फ्रॉम विलेज राड़, डिस्ट्रिक्ट मानसा, तो राड़ गांव से जो जिला मानसा में पड़ता है, वहां से एक और लड़का था बिशन सिंह, वो 12 साल का लड़का, देखो कितने छोटे छोटे बच्चे थे, 12 साल का बच्चा जो था वहां पर अंग्रेजों का सामना कर रहा था। सो ही वॉज कट टू पीसीज, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था उस बच्चे को, बिशन सिंह को, बिकॉज ही कॉट होल्ड ऑफ द बियर्ड ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, बिकॉज वो एक अंग्रेज अफसर की दाढ़ी को पकड़ दिया था उसने, उसको पकड़ा गया था वो दाढ़ी पकड़ता हुआ, इसलिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया। मिस्टर कोवन, सच वॉज ग्रेट स्पिरिट ऑफ दीज फाइटर्स फॉर फ्रीडम। ओके, सो ये मिस्टर कोवन था जिसकी दाढ़ी पकड़ ली थी, तो इसलिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो था लड़का बिशन सिंह, उसको ऐसे काट दिया गया था। सच वॉज द ग्रेट स्पिरिट ऑफ दीज फाइटर्स फॉर फ्रीडम, तो देखो कितना ज्यादा आग थी उनके अंदर आजादी के लिए, उन फ्रीडम फाइटर्स के अंदर। हाउ कैन देयर मेमोरी एवर डाई, कैसे उनकी याद हम सब में से वो मर गई, हम क्या क्यों नहीं उनको याद करते, हमें पता ही नहीं है कि कौन था, कूका मोमेंट क्या थी। ठीक है, तो एक कूका मोमेंट बेटा अभी पता लग गया, उनके श्री सतगुरु जो यहाँ पर लिखा हुआ है राम सिंह जी, उन्होंने ये शुरू किया था कूका मोमेंट, नामधारी जो सिख थे, ये बहनी साहब में पंजाब में पड़ता है, तो वहां पर ये कह रहा है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, वहां जन्म लिया था सतगुरु श्री राम सिंह जी ने। ठीक है, तो उन्होंने ये संत खालसा पार्टी बनाई थी जो आगे जो कूका मोमेंट जिन्होंने आगे रन किया। ठीक है, तो कूका मोमेंट काफी फेमस है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग थे, उन्होंने अपनी सेक्रीफाइस किया था, जान निशावर कर दी थी इन फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी अपनी आजादी के लिए, आजादी पाने के लिए, देशवासियों के लिए। द एंटायर नेशन विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ देम, कहते पूरे देश को उनके ऊपर गर्व है। वी बो आर हेड्स टू दीज ग्रेट मार्टियर्स
who let down their lives in courage and glory. हम अपना सर उन महान शहीदों के आगे झुकाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां इस साहस जो थी और अपनी आजादी के लिए जो निशावर कर दी, हम उनके आगे शीश नवाते हैं. सो बेटा क्विक ग्लिम्स का मतलब क्या होता है? झलक, क्विक लुक. ऑर्डिनरी आम, जो आम होता है जैसे नॉर्मल. अटेन, अचीव, हासिल करना. इंडिपेंडेंस, आजादी, फ्रीडम. स्पेक्टेटर, ऑन लुकर, मतलब जो देखना देख रहा होता है सबकी तरफ. लीडर, लाइक जो देख रहा होता है हर एक को. सराउंडेड, इनक्लोज, घेरा हुआ. क्रूअल, बहुत अत्याचारी होना. इनह्यूमन. कैनन मतलब माउंटेड गन, तोपे इसको कहते हैं. स्टैचर मतलब हाइट. पेबल्स पत्थर, स्टोन्स. करेज ब्रेवरी, साहस. ग्लोरी फेम. सो ये आपके पास ग्लोसरी था. नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर. विच वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी ईयर, सो आम साल कौन सा नहीं था? हम अभी पढ़ के आए हैं कि द ईयर 1857, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन. द ईयर 1857 वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी ईयर. ओके, नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर टू. Who was angry with the British rule? So, people of India, all people of India. Right from here, second line, same paragraph. The people of India everywhere were angry with the British rule. This is your second answer. Okay, the people of India everywhere, हर एक जगह, मतलब देश के अलग अलग राज्यों में जितने भी लोग थे वो सारे गुस्सा थे अंग्रेजों से, अंग्रेजों के राज से. You can pause the video and can make the mark the answers. Okay. Now next question. What did the in people of India want? What they want? They want freedom. Simple. No. वो क्या चाहते थे? They all want freedom. वो आजादी चाहते थे. They wanted to attain. यहाँ से लिख लो आप. Right here, they wanted next to attain independence. Okay, they wanted to attain independence. They wanted to attain independence. Okay. If you can write more, you can write also from this line. Otherwise, that answer was enough. If you want more, then you can write from this line. अगर आप ज्यादा read कर सकते हो, ज्यादा याद कर सकते हो, तो आप यहाँ से लिख सकते हो. अगर नहीं, तो वो enough था. आप वही answer आप लिख सकते हो. Next answer. Where was Satguru Shri Ram Singh Ji born? So, Bhaini Sahib, that is in Punjab. Satguru Shri Ram Singh Ji was born at Bhaini Sahib, Punjab. कॉमा नहीं लगेगा, पीछे फुल स्टॉप आएगा. एंड ऑल्सो राइट हियर वॉज. ओके, सतगुरु श्री राम सिंह जी वॉज बॉर्न एट बहनी साहेब पंजाब. ओके, नाउ लेट अस रीड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5. Who was in charge of the town? Mr. Cowan. So let us write here. Mr. Cowan. Cowan. Mr. Cowan was the in charge of the town. Mr. Cowan, C-O, Cowan,
Cowen. Mr. Cowen was the in charge of the town. Okay. You can pause the video and can write your answer. I'm going to answer next question. Who sacrificed their lives and why? Cooka 6 sacrificed their lives for the sake of the freedom of their motherland. Okay. The Cooka 6 sacrificed their lives for the sake of the freedom of their motherland. Answer number 6. Okay. History, officer, rulers, powerful nation. These are some words that you have to make sentences. Okay. Let us solve. History, I like to read history books. Next, officer. My father is an army officer. You can also write Mr. Cowan was a British officer. British officer. इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो. नेक्स्ट, रूलर्स. मैनी रूलर्स रूल ऑन आवर कंट्री. बहुत सारे राजाओं ने हमारे देश के ऊपर राज किया. रूल था, रूल्ड. मैंने रूलर्स रूल्ड ऑन आर कंट्री. फ्रीडम. इंडिया इंडिया गेट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947. इंडिया गेट इंडिया गॉट इंडिया गॉट They got freedom. Next, powerful. Six soldiers were very powerful. Nation India is my nation. You can also write here six soldiers are very powerful. Okay. History, I like to read history books, officer. Out of these two sentences, you can write anyone or you can make yourself. My father is an army officer. Mr. Cowan was a British officer.
rulers. Many rulers ruled on our country. Freedom. India got freedom on 15 August 1947. Powerful. Sikh soldiers are very powerful. Nation. India is my nation. I love my nation. You can pause video and can write on your notebooks. Okay. Next, true false. 1857 was not an ordinary year. True. The British government was not very powerful. False. It was very powerful. 66 Gurkha surrendered themselves. Yes, true. Mr. Cowan was an Indian officer. No, false. He was British officer. False. Varyam Singh collected some pebbles and stood upon them, challenged British officers. Varyam Singh collected some pebbles. I think no, he was another boy. Let me confirm this. Mr. Varyam. Yes, true. True. Okay. True. He collected some pebbles. He was very brave. Stood in front of Britishers and challenged them to fire. Okay. So this is your national festivals and religious festivals. You should do yourself. National festivals like Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti. Okay, these are national festivals and religious festival. Lodi, Diwali, Eid. These are our pass. What are religious festivals? Hai. Okay, you should do yourself. Next are synonyms. Means same meaning. Let us match these synonyms daily. Rose means every day. Next, important, essential, jaruri, avishyak. Symbol, sign, get, obtain, hide, conceal, irrelevant, useless. Okay. So this is your chapter, glimpse of history. I hope you like the video. Rest chapter we will do in the next video or in our class. Okay. I hope you like the video and also enjoy the chapter. So please like, share, and as much as you can, my channel. And like this video and comment if you have any issue related to the video or a chapter or any question that I left. Okay. Okay, then I will see you in the next class or in the video. Till then, take care. Bye-bye.